हेलो दोस्तों, आज हम यूपी की फेमस करेले की सब्जी बनाएंगे। इसके लिए हमने मीडियम साइज के करेले लिए हैं और मीडियम साइज का आलू लिया है। अब हम इसमें नमक और हल्दी मिला के रख देंगे ताकि करेले का थोड़ा कड़वापन कम हो जाए। आज हम यूपी की फेमस भरवा करेले की सब्जी यानी कलौंजी बनाएंगे। आप इसे ऐसे ही 5 मिनट के लिए रख दें। अब हम करेले की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये हमने तवा गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें हम कुछ साबुत मसाले जैसे सरसों, सौंफ, जीरा, छोटा वाला सरसों, इन सबको अच्छे से भून लेंगे। अब इन मसालों को हम मिक्सी में पीस लेंगे। साथ ही में हम 3-4 कलियां लहसुन की और 3-4 हरे मिर्च डाल देंगे। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और साथ ही आमचूर भी डालेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम इसमें थोड़ा सरसों तेल डालेंगे और सारे मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम थोड़ी लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। ये हमारा मिक्सचर तैयार है। ये देखिए, हमने सारे करेलों को बीच से चीर दिया है। अब हम इसमें ये फिलिंग्स भर लेंगे। इसी तरह हमें सारे करेलों को स्टफ कर लेना है। ये देखिए, हमने सारे करेलों में मसाला अच्छे से स्टफ कर लिया है। चलिए अब हम इसे भून लेते हैं। ये देखिए, हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। अब जो आलू हमने हल्दी नमक मिला के रखा था पहले, वो डालेंगे। अब इसके बाद हम जो करेले स्टफ करके रखे थे वो डालेंगे। इसमें हमें और कोई ऊपर से मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्हीं मसालों से इनका फ्लेवर, इनका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसे ढक के रख देते हैं। करेले को पकने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएंगे अच्छे से। आप बीच बीच में बर्तन उठा के चेक करते रहें कि कहीं जल ना जाए। ये हमारी कलौंजी तैयार हो चुकी है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें।